लेकिन इस समय आज चुनाव का आखिरी दिन है और 5 बजे से चुनाव प्रचार जो थम जाएगा। ऐसे में जो तमाम क्षेत्र के रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार थे, जिन्होंने जाकर खेत में पकड़ पकड़ कर किसानों से पूछा, और यहाँ वैसे पत्रकार से आपको मिलवाएंगे, और आज ये मिल गए हैं काफ़ी दिन, क्योंकि अब धीरे धीरे माहौल लग रहा है कि अब शांत होगा। क्या लग रहा है, घोसी का माहौल शांत हो गया कि अभी बरकरार है? अभी शांत नहीं हुआ है, मतगणना के दिन तक गर्म रहेगा माहौल इसी तरह, और आज अभी थोड़ा सा चढ़ाव आज ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि रोड शो था, रवि किशन थे और मनोज तिवारी और तमाम झुआ पर मंत्री थे, जैसे मंत्री चुनाव में हैं, इतनी तेज इतनी उमस, उसके बावजूद भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह था। हालांकि हाँ। ये बताइए कि खेत खलिहानों में जाकर जब आप किसानों से इस तरह से पूछ रहे, तो क्या माहौल निकल कर आया था? देखिए, यहाँ पर बदलाव की बयार खेत खलिहानों में चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर भाजपा की वापसी के लिए तैयार हैं, क्योंकि सपा की सीट थी तो भाजपा अपनी सीट जीतने के लिए बहुत ही कसमकस खूब पसीना बहा रही है, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक जमे रहे, और अब तो हीरो हीरोइन भी आ गए हैं, तो ज़बरदस्त माहौल है भाजपा का भी। तो क्या लगता है इस रोड शो का कुछ असर पड़ने वाला है, क्योंकि आप तो पूरा कवरेज कर रहे थे? रोड शो से कोई असर नहीं पड़ता है, बस कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहता है और पार्टियां माहौल दिखाने का प्रयास करती हैं। मनोज तिवारी और रवि किशन इतने बड़े नेता नहीं हैं कि उनके रोड शो का कोई असर पड़े, थोड़ा बहुत असर पड़ता है दिनेश लाल यादव का, तो वो है नहीं, देखेंगे। तो रवि किशन संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, मुनिरहुआ संसदीय क्षेत्र में एक्टिव भी रहते हैं, और अपना मूल प्रोफेशन जो उनका है नाचना गाना फिल्म बनाना, उसमें भी जुटे रहते हैं, इसलिए कम आ पाते हैं। तो ये थे अभिषेक भैया, और ये तमाम रिपोर्टिंग किए, और यहाँ पर संजय भैया भी साथ में हैं, और संजय भैया से हम जानेंगे कि संजय भैया भी काफ़ी ग्राउंड की जो रिपोर्टिंग किए अब तक क्या निकल कर आया। तो संजय भैया, का माहौल लग रहा है? अब आपसे माहौल पूछेंगे, क्योंकि आप तमाम जो क्षेत्र था घूम लिए, धरातल पर गए, और भैया लोग से सड़क रोड रास्ता, माहौल तो आप पूछिए मत, माहौल बहुत गर्म है और डबल गर्मी है इस बार तो। अभी एक तो चुनावी गर्मी, एक तो मौसम का गर्मी अलग है और चुनावी गर्मी अलग है, तो हालत पूरी तरह से ख़राब है, मगर जो चुनावी माहौल है वो ज़बरदस्त है और बना हुआ है। 19-20 का आंकड़ा जो है वो किसके तरफ जा रहा है? देखिए, जो ज़्यादातर लोगों का बदलाव में ही है, जो हम लोगों ने बहुत गांव घूमे हैं तो उसमें ज़्यादातर बदलाव के ही तस्वीर थी, बाकी आज रोड शो था बीजेपी का, तो देखते हैं कि क्या एक दो दिन, अभी 2 दिन शेष हैं, तो क्या चीज़ें बदलती हैं। कुछ बदलने की उम्मीद है? नहीं, वैसे खास नहीं, अभी तक तो नहीं, लोगों का जो मन बना लेते हैं, क्योंकि जब भी लोग मन बना लेते हैं उसी पे करते हैं, थोड़ा बहुत होता है मगर उससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। चलिए, लोग क्या मन बनाए हैं इसी को लेकर हम यहाँ पे अब आपको दिखाते हैं कि लोग रोड शो के बाद क्या मन बनाए हैं, कैसे। देखिए चाचा भिड़ गए, तुम बात कर रहे हो घोसी की, तो मधुबन से थे, इसी में सांसद 2009 तो पता नहीं कितना काम किया था, यही पूरी लोकसभा में, अरे दसियों का पूरी लोकसभा में कितना काम किया था, क्या बात करते हैं यार। ये तो हल्ला तो आप कर रहे हो ना, रोडवा देखा उनके उनके उनके, मैं घोसी विधानसभा का 5 मैं घोसी विधानसभा का 5 दिखा दूंगा। अभी आपस में भैया तकरार कर रहे थे, मैं तुमको दिखा दूंगा, चलिए रोड पे कितनी घोसी घोसी से ये जो मोहम्मदाबाद रोड है, कम से कम दसियों लाइट देख लीजिए दारा सिंह चौहान के नाम पर, ये भैया योगी मोदी का जो बना है, आप बस घोसी में और मधुबन में 5 उनके काम बता दीजिए। बहुत काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, नाम बताने के मतलब नहीं, आप लोग पूछने आए हैं, आप पूछिए, सबसे पूछिए, जहाँ दरवाजे जिसके काम हुआ, जिसके 5 काम नहीं 50 काम है दारा सिंह चौहान के, 5 काम बता दीजिए, दसियों 50 काम है बताने काम दारा से। अभी इस रोड पे जाइए, 50 लाइटें लगी दिखाएंगे आपको, आप फायर स्टेशन बना उनका बनवाया हुआ है, सारी चीज है, और कल मोदी जी के सामने उन्होंने पूरा विवरण रखा है, चीनी मिल के लिए रखा है, पूरी घोसी के लिए रखा है, करोड़ों की मांग की है उन्होंने कल, फिर आगे पूरा उन्होंने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने आश्वासन दिया है कि इस घोसी को आदर्श बनाऊंगा। अब आप कह रहे हैं कब मोदी जी से मिल गए दारा चौहान? हाँ, क्या कब मोदी जी से मिले दारा चौहान? दारा चौहान पहले भाजपा में थे, कल कह रहे हैं कि मिले दारा योगी जी से मिले, मोदी जी से नहीं। आप दिमाग रखिए, आप जैसे हमसे पूछते हैं, ऑन रिकॉर्डिंग है, योगी जी से मिले, मोदी जी से नहीं, मैंने कहा योगी जी से, योगी जी से बहुत मांग की है, करोड़ों की, अरबों की मांग की है, काम की बात छोड़ दिए, अरबों की चीनी मिल की मांग की है, कताई मिल की मांग की है, बहुत कुछ मांग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूछने के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत काम
नाम मांगा है, बहुत कुछ होगा, अब जीतेंगे तब होगा, अब नहीं जीतेंगे तभी तब शुरू हो जाएगा। सांसद बने, विधायक बने, वन मंत्री, इधर बहुत कुछ बन चुका है, बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं भैया, बहुत कुछ करे, बहुत दारा का एक काम, दारा के मंत्री में एक काम, तो एके शर्मा मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर है ना, दारा मिनिस्टर है ना बलुआ में, हाँ दसियों लाइट, दसियों, अरे और क्या लाइट नहीं दिखेगा तो रात में क्या दिखेगा, और वहाँ पे सड़क बनी, रोडवा रास्ता कितना बना है, बहुत बना, बहुत बना है, 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 इनकी महानता है, इनकी महानता दिया, निधि दिया, अब आप पूछ लेना, आप पूछ ले, प्रधान ने कह दिया, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। सुनिए ये कह रहे हैं कि दारा चौहान ने लाइट लगाया है, अच्छा लाइट से काम चल जाएगा सब कुछ, देखिए ना यहाँ लाइट की चुनाव है, ना योगी का चुनाव है, ना मोदी का चुनाव है, ना अखिलेश का चुनाव है, ठीक, इनसे पांच काम पूछे तो ये काम कोई नहीं बता पाएगा भैया, बड़े बड़े मंत्री लोग आ रहे हैं, पूछ लीजिए उनसे, ये लोग नहीं बता पाएंगे तो आम पब्लिक का बताएगी। अरे तो कैसे दावा कर रहे हैं कि 50,000 रोड से जीत रहे हैं, दावा अपने अपने सपोर्टर का सब करते हैं, अपने अपने सपोर्टर का सभी लोग करते हैं, अच्छा, लेकिन हम लोग आम पब्लिक हैं, अगली बार भाजपा आम पब्लिक क्या बोलती है इसमें, आम पब्लिक यही कहती है कि बार बार चुनाव नहीं चाहिए, कम से कम 5 साल में एक बार चुनाव चाहिए, चाहिए। हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार, अब लग रहा है अब तो थोक समय, अब तो प्रचार भी अब थम जाएगा, बस एक घंटा बाकी है, एक घंटा पहले तो कुछ बताते जाइए, अब वो तो अब जब तो जनता यहाँ बताएगी ना यहाँ का, अब भी जनता है, एक बार बस बता दीजिए, अब जनता जनता देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, आप भी पत्रकार हैं, हम लोग आप जैसे रोड पर जो माहौल देख रहे हैं, हाँ, वही माहौल देख कर तो यही लग रहा है कि केवल भाजपा दिखाई दे रहा है, लेकिन जमीन पर गांव में जाने पर लग रहा है कि खाली सपा जीत रही है, सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, सपा पर नहीं सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, बस यही माहौल है, यही माहौल है, रोड पे भाजपा दिखाई दे रही है, गांव में सुधाकर सिंह दिखाई दे रहे हैं, सुधाकर सिंह दिखाई दे रहे हैं, चाचा चाचा पान वाले चाचा काला, एक बार बस बोल दो, एक बार चाचा क्या जवन काला तवन बस बोल दो, बोले के पड़ी चाचा एक बार बस जवन काला वे बोल दो, अरे भाई रोड पर प्रदर्शनी करने से वोट नहीं ना मिलेगा, गांव में जाएंगे तभी ना मिलेगा, तो मान लीजिए गांव में ये जितना मंत्री आए हैं नेतागण हैं जाते तो वोट का बात समझ में बात आती है, अब रोड शो करने से वोट नहीं मिलेगा, तो देखिए चाचा ने बड़ा खुलासा कर दिया कि रोड शो करने से वोट नहीं मिलता, जब गांव में जाएंगे, जब रोड रास्ते जो टूटे फूटे हैं और जब उस पर चलेंगे तब आकर देख सकते हैं, चाचा तनी का माहौल बा, माहौल को ठीक है बा, कैसा माहौल लग रहा है, माहौल को ठीक है बात, दोनों जान लोग अपन दौड़त बांधो, पटका पटकी चालू है, पटकी पटका चालू, अब देखा कौन शेर कौन लड़े ला कौन जीत, तो लड़त विधानसभा विधानसभा लोकसभा कई बार जीतला तो कुछ कैलं, अरे बहुत कुछ कैलं, की का कैलं का है ना कैलं, अरे अपन कार्यालय लोग कुछ बनवा और कुछ जगह जमीन लेके अपन कुछ ठीक कैलं, अच्छा की जीतो था कि जनता का काम करो था, कार्यालय बना लेला अपन जमीन जायदाद लेके कुल बना लेला, फिर तो विधायक जी लोग का काम है जमीन ले लो घर बनवा ले लो, लेकिन गांव घर का जो रास्ता है रोड है वो के ना बनवाई लो, फिलहाल जमन कुछ भी माहौल है आप लोग देखत रही एनबी इंडिया।